Welcome class 9. Today we are going to start chapter 3, Atoms and Molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanad, postulated that if we go on dividing matter, agar hum मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं, तो हमें क्या होगा, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते रहेंगे और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा, ऐसा टाइम आएगा तो उससे ज़्यादा मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम उसको फर्दर डिवीज़न उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा और इन्हीं पार्टिकल्स को परमाणु नाम दिया गया। अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुड़ा कटियानियामा elaborated this doctrine and said these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. Democritus called these indivisible particles atoms. Democritus ने इनको नाम atoms दिया. All this was based on philosophical consideration. तो ये जितना भी वर्क था सिर्फ philosophical consideration के ऊपर था और इसके ऊपर जब तक कोई experimental work नहीं हुआ था 18th century तक. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compound. अब क्या हुआ, 18th century के एंड में साइंटिस्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सके एंड नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन. तो फिर उन वो इस बात में इंटरेस्ट लेने लगे कि किस तरीके से और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, क्या होता है. एंटोनी एल लेवोजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इन्होंने, ये एंटोनी एल लेवोजियर ने एक तरीके से केमिकल साइंस का फाउंडेशन लेड किया. दो लॉज दिए इन्होंने जिसे इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई मास है तो ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेक्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion. तो इन्होंने ये नोट किया, irrespective of where the compound come from or who prepared it. In a compound such as water, अगर अपन water की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो रेशियो रहेगा हाइड्रोजन के मास का और ऑक्सीजन के मास का वो हमेशा 1:8 रहेगा, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वो कहीं से भी लिया गया हो. दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज, तो हम कह सकते हैं अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर को हम डिकम्पोज करें तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगी अपन को और हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि क्या है इनका रेशियो 1:8. सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया की बात करें, अमोनिया होता है NH3. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास, वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इज ऑब्टेन. दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन
एज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, और इस लॉ को लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस, तो इन्होंने इस तरीके से इसका डिफाइन किया, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वॉज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज, तो अभी लॉज तो दे दिए तो, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, मतलब इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, तो इन्होंने, ये जॉन डाल्टन थे, इन्होंने एक थ्योरी दी। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसोफी। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेट दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो इस इनकी थ्योरी की वजह से एक तरीके से इन दोनों लॉज को एक्सप्लेनेशन मिल गई, मतलब इनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, अब इसकी थ्योरी देखते हैं क्या है। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, चाहे कुछ भी हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, तो ये सभी किससे मिलकर बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें अपन एटम्स कहते हैं। तो इस थ्योरी के पोस्टुलेट हैं कुछ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जितने भी मैटर हैं सब टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिनको हम एटम के नाम से जानते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल हैं और ना ही हैं अपन क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ना ही इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट आपको दे रखा है, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एक जैसे होंगे मास में, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसे अगर डिफरेंट एलिमेंट है आपके पास, तो ऐसे उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफर करेंगी। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। नेक्स्ट, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट, वॉट इज एन एटम? हैव यू एवर ऑब्जर्व द मैसन बिल्डिंग वॉल्स? फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। जैसे आपने कभी देखा है कोई घर बनते हुए, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी वॉल्स बनती हैं, है ना? फिर इन वॉल्स से क्या बनता है, रूम बनता है। फिर कलेक्शन ऑफ रूम होते हैं, जैसे बहुत सारे रूम बनते हैं, फिर वो सब मिलकर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो क्या बिल्डिंग ब्लॉक क्या है पूरी एक ह्यूज बिल्डिंग का? तो अगर अपन देखें, इट इज़ ए स्मॉल ग्रैंड ऑफ सैंड, सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। तो छोटा सा छोटा अगर अपन पार्टिकल की बात करें, ये वॉल का ऐसे बनती है ब्रिक्स से, ब्रिक्स में भी क्या होता है, स्मॉल ग्रैंड ऑफ सैंड। तो इसी तरीके से हम एटम को इससे रिलेट कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स, कोई भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक सबसे छोटा यूनिट एटम कहलाएगा। यहाँ आपको इसके साइज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा, हाउ बिग्स आर एटम, कितने बड़े होते हैं ये।
Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with. More than 1 million of atoms when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper. जैसे आपका ये एक paper है book का, तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, मोर देन मिलियंस ऑफ एटम स्टैक, मतलब एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे. तो एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर्स में मेज़र की जाती है. तो 1 मीटर इक्वल टू 10^9 नैनोमीटर्स. ये ऐसे रिलेटिव साइजेस दे रखे हैं, ये रेडियाई दे रखी है मीटर्स में, और एग्जांपल दे रखे हैं, तो आप इनको रिलेट कर सकते हैं. और आप वंडर करेंगे कितना छोटा होता है एटम का साइज. वी माइट थिंक डेट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज, व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम. दिस इज बिकॉज अवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स. क्योंकि है तो इतने छोटे, लेकिन अगर अपन बात करें पूरी ये दुनिया में जो भी चीज़ है वो काय की बनी हुई है, एटम्स की. वी मे नॉट एबल टू सी देम, चाहे हम इनको देख नहीं सकते, बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू. थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स. आजकल इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो हम मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकते हैं. इन फिगर 3.2 इट इज़ एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन. ये आपकी बुक में कलर्ड होगी तो आपको और भी अच्छे से दिखेगी. नेक्स्ट, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स तो डिस्कवर हो चुके थे, है ना, तो अब इनके लिए सिंबल्स सबसे पहले डाल्टन ने यूज़ करे. व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही आल्सो मेंट अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. बर्जीलियस सजेस्टेड, ये अनदर साइंटिस्ट थे, इन्होंने सजेस्ट किया दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट. तो इन्होंने ये बताया कि ऐसे सिंबल्स रहने चाहिए ताकि जो कोई भी एलिमेंट है उसका एक या दो लेटर उसके अंदर आ जाए उसके नाम के. यहाँ डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे कुछ एलिमेंट्स के, ये आपको फिगर 3.3 में दिखा रखे हैं. इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहले क्या किया गया, जहाँ से एलिमेंट्स मिले थे वहाँ पहली बार जहाँ उसे डिस्कवर हुए वहाँ उस जिस जगह से उस जगह के ऊपर उनका नाम रख दिया गया. फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, और कुछ कुछ जैसे कुछ एलिमेंट्स के उनके कलर्स के ऊपर उनके नाम रख दिए गए. जैसे गोल्ड की अगर अपन बात करें तो ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है येल्लो. नाउडेज और आजकल IUPAC इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स के नेम ये अप्रूव करती है. मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश. ज़्यादातर इस तरीके से होते हैं. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर. तो जो फर्स्ट लेटर होगा उसको तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे सिंबल का, और जो सेकंड लेटर होगा उसको स्मॉल लेटर में अपन दिखाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो एक ही है यहाँ पे, तो इसलिए इसको एच से दिखा दिया. अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ए कैपिटल है और एल यहाँ स्मॉल है, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये दोनों कैपिटल हैं तो ये गलत हो जाएगा. ऐसे कोबाल्ट, कोबाल्ट की को कैपिटल सी एंड स्मॉल ओ, अगर अपन कैपिटल सी और कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है.
Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. अब कुछ एलिमेंट्स के नाम इस तरीके से रखे गए जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उसके नाम में और जो बाद में आ रहा है उसके हिसाब से. जैसे एग्जांपल क्लोरीन है ना, सी तो पहले आ गया और फिर उसके नाम के अंदर ही कहीं ना कहीं आ रहा है. जैसे एल इस तरीके से रख दिए. जिंक, जिंक का जेड और एन इस तरीके से रख दिया गया. अदर सिंबल्स हैव टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक. फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, है ना. आयरन का Fe होता है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम. तो ये लैटिन से लिया गया है. लैटिन नेम होता है इसका फेरम. ऐसे ही सोडियम का Na होता है सिंबल और ये फ्रॉम नेट्रियम. और पोटेशियम का है और इसको लिया गया है कैलियम. देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल. यहाँ टेबल 3.1 में सिंबल्स दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के. ये वैसे तो आपको ये धीरे धीरे ही याद होंगे लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप हायर क्लासेस में साइंस ऑप्ट करते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक यू.